Hey, what's up guys? This is your friend Oyon and welcome to Samaji Photography. तो गाइस आज हम एक बहुत ही फेमस वीडियो गेम के ऊपर एडिटिंग करने वाले हैं. तो गेस द गेम. यस गाइस, आप लोगों ने सही समझा. आज हम पबजी के ऊपर फोटो एडिट करने वाले हैं. तो सब लोग मिलके बोलो जय पबजी. हाँ गाइस, तो अगर आप ये एडिट्स में चाहते हो तो प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करके आखिरी तक देखते रहिए. और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कॉमेंट और शेयर करके चैनल के सब्सक्राइब को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना. और अगर आप लोग मुझे कुछ नया आइडिया देना चाहते हो या कुछ सजेशन करना चाहते हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर देना. और मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, आप लोग चाहो तो फॉलो कर सकते हो. मैं आ चुका हूँ स्क्रीन पे और इंट्रो के बाद आपसे मिलता हूँ इसी मोबाइल. तो गाइस, सबसे पहले एक बैकग्राउंड चूज करके उसे पिक्सर में ओपन कर लेंगे. फिर पिक्सर से हम एक पीएनजी को ओपन कर लेंगे. पबजी में जो पीएनजी रहता है उसका पीएनजी ओपन कर लेंगे, पर उसका कोई सेल नहीं रहेगा, सेल होगा मॉडल का और वो हम बाद में ऐड करने वाले हैं. देख सकते हो ये है पीएनजी, इसका सारा लिंक डिस्क्रिप्शन पे होगा. इसे पहले सेट कर लेते हैं. हाँ, ये सेट हो चुका है. तो फिर ऐड फोटो ऑप्शन में जाएंगे और जो मॉडल था उसका सेल ऐड कर लेंगे. आप चाहो तो खुद का या किसी और का भी मॉडल ऐड कर सकते हो. देखिए ये था मॉडल, इसका सेल को थोड़ा जूम करके इसके ऊपर पेंट करके पेंट कर लेंगे. पेंट मतलब ये जो लाल लाल कलर दिख रहे हो, जहाँ पे ये लाल कलर है वो हिस्सा बाद में फोटो में दिखेगा और बाकी सब गायब हो जाएगा. तो आपको फास्ट फॉरवर्ड में करके ये दिखाता हूँ. तो गाइस, आप शायद सोच रहे हो ये कितना सारा ऑप्शन में क्या हो रहा है. तो बस कुछ नहीं, बस इसका ऑपेसिटी को ठीक करके इसे सही से पेंट कर रहा हूँ. ये बहुत ही आसान है, आप पिक्सल ओपन करने के बाद आपको समझ आ जाएगा. तो मिलते हैं आपसे पिक्चर ऐड करने के बाद. देखिए पिक्चर ऐड हो चुका है. अब बस नीचे जो पेन का हिस्सा है जो दिख रहा है उसे क्रॉप करके हम कट कर देंगे. हाँ, ये क्रॉप हो चुका. अब फिर ऐड फोटो में जाएंगे और हम लड़की का फोटो ऐड करेंगे. वो पबजी में जो लड़की रहता है वो ऐड करेंगे तो बिल्कुल रियल लगेगा. देखिए ये था वो फोटो. हाँ, अब इसका ड्रेस को मतलब मॉडल का जो ड्रेस है और पबजी के इस बंदे का जो ड्रेस है सेट करना पड़ेगा. देखिए बिल्कुल सही से सेट करना पड़ेगा तो बिल्कुल फोटो रियल लगेगा. और उसके बाद उसको सेट को मिटा के फिर मॉडल का फेस लाना पड़ेगा. हाँ, देख सकते हो. इसके बाद हम जाएंगे ब्यूटी ऑप्शन पे और स्किन को थोड़ा सा स्मूथ कर देंगे, मतलब स्किन में थोड़ा सा सॉफ्टनेस आ जाएगा, अच्छा लगेगा मॉडल को दिखने में. अब देख हो जा रहा. हाँ, स्मूथ हो चुका है, लेकिन हमें आई पे स्मूथ नहीं चाहिए तो आई में से वो मिटा देंगे. अब इसे करने के बाद हम जाएंगे इफेक्ट्स ऑप्शन में और चूज कर लेंगे एक फ्रेम को. तो इस बार हम ग्लिच ऑप्शन को चूज करेंगे और इसको थोड़ा सा लाइट कॉम्बिनेशन को ठीक कर देते हैं. इसका लाइट कॉम्बिनेशन ठीक करने के बाद इसके ऊपर देख रहे हो आप एक अलग से एक अलग सा लाइट का शेडो आ रहा है जो पबजी में रहता है. एक्चुअली जो पबजी खेलते हैं उनको जरूर पता होगा. देखिए फिर ऐड फोटो में जाएंगे और इस बार पीछे से लाइट लाने के लिए हमें एक लाइट सोर्स चाहिए, मतलब जो पीछे से दिखे कि पीछे से लाइट आ रहा है, बहुत अच्छे से अच्छा लगेगा. तो हम इसके लिए इस फोटो को चूज़ कर लेंगे. इसे हाँ, इसे जूम करके सही से लगा लेंगे पीछे. हाँ, अब इसका ओपेसिटी को फुल कर देंगे. बस ये हो गया. आप देख सकते हो इसका चेंजेस, लग रहा है कि पीछे से लाइट आ रहा है जो पबजी में रहता है एक्चुअली. फिर इफेक्ट्स ऑप्शन में जाएंगे और इस बार हम MIL 3 को चूज़ करेंगे. हमने देख लिया. फिर ऐड फोटो में जाएंगे. एक्चुअली ऐड फोटो में ज़्यादा काम है इस एडिटिंग में.
इस बार हम चूज करेंगे फायर का फोटोज। मतलब आपने देखा होगा कि ऐसा लग रहा है कि फायर का बारिश होता है, आग उड़ रहा है, ऐसा एक फोटो। इसे जूम करके ऑपोसिटिव बना लेंगे। हाँ, आप देख सकते हो बिल्कुल लग रहा है कि फायर का बारिश हो रहा है। इसे सेट कर लेंगे, फिर जाएंगे इफेक्ट्स ऑप्शन पे और इसमें से कोई भी एक ऑप्शन आप चूज कर सकते हो। मैं इस बार ब्लर ऑप्शन को चूज कर रहा हूँ, स्मार्ट ब्लर को। ओ सॉरी गाइस, थोड़ा सा गलती हो गया, देखता हूँ मैं ठीक कर सकता हूँ कि नहीं। नहीं सॉरी गाइस, इस बार कैंसिल कर देते हैं, सॉरी थोड़ा सा गलती हो गया था। फिर एफएक्स में जाएंगे और इस बार हम चूज करेंगे एचडीआर को, और एचडीआर को थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन ठीक कर देंगे, थोड़ा सा फेड को बढ़ा देंगे 80। ओके, अब देख सकते हो गाइस। अब फिर एड फोटो में जाएंगे हम और इस बार पबजी का लोगो, जो पबजी का जो लोगो रहता है उसे चूज करके साइड में लगा देंगे। ये रहा लोगो, यस इसे साइड में लगा देते हैं। अब देख सकते हो गाइस, ये बहुत ही आसान है। तो अब देख सकते हो फाइनली हमारा फोटो एडिट हो चुका है। ये देखो असली फोटो था, इसका क्वालिटी अच्छी नहीं है, और ये देखो एडिट करने का बाद इसका क्वालिटी भी अच्छा हो चुका है और बैकग्राउंड ऐड हो चुका है, पबजी का लोगो ऐड हो चुका है, ये लड़की ऐड हो चुका है। तो अगर आप लोगों को ये अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अपने पबजी लवर और फोटोग्राफर लवर फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना और कमेंट करके बोलना कैसा है फोटो। तो क्लिप किकिंग एंड कीप एडिटिंग। थैंक यू वेरी मच।